नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। आइए फटाफट अंदाज में करते हैं खबरों की शुरुआत। वैशाली पहुंचा मनरेगा मैन रघुवंश बाबू का पार्थिव शरीर। पैतृक गांव पानापुर में राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। अंतिम दर्शन के लिए वैशाली गढ़ पर रखा गया रघुवंश बाबू का पार्थिव शरीर। एक झलक पाने को उमड़ा जनसैलाब। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, पूरी करेंगे रघुवंश बाबू की अंतिम इच्छा। पत्र के माध्यम से रघुवंश बाबू ने मुख्यमंत्री से रखी थी कुछ बातें। रघुवंश बाबू के निधन पर झुका आरजेडी का झंडा। 7 दिनों तक पार्टी के सभी कार्यक्रम स्थगित। मनरेगा मैन रघुवंश बाबू के निधन पर नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव सहित कई नेताओं ने जताया दुख। तेजस्वी ने ट्वीट कर कहा, अचानक चले गए आप, मुझे अकेला कर गए। बिना अनुमति के रालोसपा नेता उपेंद्र कुशवाहा को जुलूस निकालना पड़ा महंगा। 10 नामजद सहित 400 अज्ञात के खिलाफ गांधी मैदान थाने में मुकदमा दर्ज। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार को बताया टैलेंट का पावर हाउस। का हर राज्य के विकास में दिखेगी यहां की छाप। भागलपुर के सांसद अजय मंडल का सोशल मीडिया पर बनाया गया 4 फर्जी अकाउंट। सांसद ने घोघा पुलिस से की शिकायत। सांसद ने 4 फर्जी अकाउंट से आपत्तिजनक पोस्ट करने की कही बात। अजय मंडल ने कहा, सोशल मीडिया से मुझे कोई लेना देना नहीं। भागलपुर गोराडी में 16 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म। ग्रामीणों ने आरोपियों को मौके से दबोचा। पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज। भागलपुर के सबौर में 6 वर्षीय मासूम के साथ 2 भाइयों ने की दरिंदगी। पुलिस ने नाबालिग सहित एक को किया गिरफ्तार। घर में अकेला पाकर प्रिंस और उसके भाई ने मासूम के साथ किया दुष्कर्म। अर्धबेहोशी की हालत में मासूम ने बताई आपबीती। जल्द ही भागलपुर से कोविड स्पेशल बनकर चलेगी 3 ट्रेनें। मालदा रेल मंडल ने रेलवे बोर्ड को भेजा प्रस्ताव। सितंबर से ही सुपर फरक्का और मालदा पटना इंटरसिटी ट्रेन चलने की तैयारी में जुटा विभाग। पूर्व से निर्धारित समय सीमा पर चलेगी 3 ट्रेनें। भागलपुर से चलने वाली स्पेशल ट्रेनों में होगी पार्सल बुकिंग की सुविधा। आम लोगों के साथ व्यापारी वर्ग के लोगों को भी होगी सहूलियत। रेलवे बोर्ड से हरी झंडी मिलते ही भागलपुर से चलेगी और भी कई ट्रेनें। यात्रियों की मांग को देखते हुए बोर्ड कर सकता है सकारात्मक फैसला। रविवार को जिले में 73 कोरोना मरीज की हुई पुष्टि। शहर के दारोगा समेत 10 लोग आए कोरोना की चपेट में। कोरोना की चपेट में आए स्मार्ट सिटी परियोजना के कर्मचारी, दवा व्यवसायी, मुंदीचक नाथनगर के कई लोग। जिले में अब तक 6,570 लोग हुए हैं कोरोना से संक्रमित, जिसमें 5,743 लोगों ने जीती है कोरोना से जंग। बिहार में 90% पार किया कोरोना रिकवरी दर। राज्य में अब तक 1,43,000 से ज्यादा लोगों ने दी है कोरोना को मात। रविवार को बिहार में कोरोना से 14 लोगों की गई जान। राज्य में अब भी 1,804 सक्रिय मामले। भागलपुर सदर अस्पताल में महिला डॉक्टरों की मनमानी। अस्पताल में नहीं दिखती है महिला डॉक्टर। दूर दराज गांव से आए गर्भवती को करना पड़ता है परेशानियों का सामना। नर्स भरोसे भागलपुर सदर अस्पताल। बेहतर उपचार के लिए गर्भवती महिलाओं को मायागंज अस्पताल भेजती है नर्स। उद्घाटन के बाद भी जीर्णोद्धार की बाढ़ जो रहा है नाथनगर जैन मंदिर का नाला। एक बार फिर अटका निर्माण कार्य। निजी स्कूलों की फीस की मनमानी को लेकर अभिभावकों का प्रदर्शन। संत टेरेसा स्कूल के बाहर अभिभावकों ने भागलपुर जगदीशपुर मुख्य सड़क मार्ग को किया जाम। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए सिल्क टीवी। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए सिल्क टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर पेज को फॉलो जरूर करें।